का खाने वाली चुड़ैल। रात को अचानक राधिका मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें कुछ सफेद साड़ी में दिखा। वो चीख पड़ी, हे भगवान, आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। राधिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवण बाहर आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ, क्या देख लिया? दादी माँ आ गई क्या सपने में? अरे बेटा, रसोड़े में देख तो कौन है। श्रवण रसोड़े में झांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर। अब रसोड़े में तो कोई नहीं है माँ। कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई भी नहीं है। चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काजल भी वहां आ जाती है। अब क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, रसोड़े में एक चुड़ैल थी सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे बताया नहीं, कल आएगी ना तो पूछ लूंगी। चुड़ैल जी, आपका क्या प्लान है? माँ जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। राधिका मौसी सोने तो चली जाती है पर उनको रात भर नींद ही नहीं आती। वो कुछ भी उलझुल बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल की वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा, कहीं उसी की वजह से तो वो दादी नहीं बन पा रही। सुबह जब राधिका मौसी रसोड़े में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। राधिका मौसी झट से श्रवण को फोन कर देती है। बेटा, मुझे समस्या समझ में आ गई है, हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, तांत्रिक की क्या जरूरत है, आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो ना। आलतू जलालतू मंत्र सारे फालतू, जैसे कुछ मंत्र पढ़ो चली जाएगी अपने आप चुड़ैल। अरे नहीं बेटा, कभी चुड़ैल को कम नहीं समझते। अरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो छल करके काजल की जगह घर की बहू खुद बन जाएगी। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो, कहा काजल और कहा चुड़ैल। वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना तो चुड़ैल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या धरती लोग छोड़कर चली जाएगी। तुम बनाओ पढ़े लिखे बच्चे, हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना, क्या है कि चटनी खाए बहुत दिन हो गए है ना। नहीं माँ, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आटा वगैरह भी उसी से पिसवा लेना। देखो मुझे काम करना है। श्रवण रात को कई तरह की सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन राधिका मौसी के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं, यकीन होने लगा था कि शायद चुड़ैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था, जिस वजह से श्रवण उनकी बात ही नहीं मान रहा था। पर कोई नहीं, आने वाली रात में राधिका मौसी खुद तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब हाथ के पास ही था, बस चुड़ैल का इंतजार था। और जैसा राधिका मौसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात भी आई, पर वो राधिका मौसी से तेज निकली और राधिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई। जरूर बहु पैसा आया है उस चुड़ैल का, तभी तो श्रवण के कमरे में गई है। और अगली सुबह राधिका मौसी पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। उनके खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी और वो इमली भी जो कल श्रवण लेकर आया था। राधिका मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि श्रवण जल्दी से रसोड़े में आकर दवाइयों की पोटली ढूंढने लगता है। पर बेटा क्या हो गया? अब माँ, वो काजल की तबीयत खराब है, बहुत घबराहट हो रही है उसे। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि तांत्रिक को बुला लेते हैं, पर नहीं, अब देखो उस चुड़ैल ने काजल को अपने वश में करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि श्रवण भूतों में विश्वास नहीं करता था, पर अब वो भी डर जाता है और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए।
कुछ ही घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और राधिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती हैं। घर संकट घर संकट चुड़ैल को मारू जोर चाकर ओम भट स्वाहा खटखा के आहा। अरे ये क्या मंत्र है? मेरे खुद के ओरिजिनल मंत्र है, कल रात को ही लिखे है, अच्छे लगे तो दाद चाहूंगा। एक और मंत्र सुनो, और गुजिया है आबरा का डाबरा दिल्ली बम्बई आगरा चंदा मामा सुर रे सुरन मामू जारा। ये मंत्र है? अरे कोई चालीसा वाली सा पढ़ो ना। वक्त कम है, चालीसा नहीं पड़ेंगे, बीसा पच्चीसा में काम चलाना पड़ेगा। अलख निरंजन जाके लंदन, मुफ्त का मंजान घिस मेरे लंदन। अरे जल्दी करो तांत्रिक जी, जल्दी करो। तांत्रिक अपने उलझलूल मंत्र पढ़ने लगता है। श्रवण को तांत्रिक पे शक होता है, वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है ताकि कोई अनहोनी हो तो इमरजेंसी में चीजें मैनेज हो जाए। तांत्रिक धुनी रमाता है जिसकी वजह से कमरे में काफी धुआं हो जाता है और जिसकी वजह से बहू की घबराहट बढ़ जाती है। अब भागेगी चुड़ैल। बहू खांसते हुए धुएं से बचने के लिए बाहर चली जाती है। अरे भाग रही है भाग रही है। पीछे पीछे श्रवण भी जाता है। बहू एक सोफे पर बैठ जाती है, तभी डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और श्रवण को पानी लाने के लिए कहते हैं। थोड़े चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, मेरे हिसाब से जाप का काम पूरा हो गया है। क्या मतलब? अरे कुछ भी नहीं माँ, कोई चुड़ैल नहीं है, खुशखबरी है, अब दादी बनने वाली है। मगर वो सब अचार के डब्बे। श्रवण दोनों अचार के डब्बे अपनी माँ को दिखाता है जो कि उनके बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। आपने सही बोला था माँ, वो चुड़ैल काजल ही थी जो खट्टा खा रही थी। हमें कल ही पता चला, पर हमने आपको ये तांत्रिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर बेटा मुझे एक झाड़ू तो ला दे। क्यों माँ? ये तांत्रिक का भूत उतारती हूँ मैं। अब तांत्रिक राधा मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और राधा मौसी उसके पीछे भागती है। अरे संकट ये घनघोर है, तांत्रिक मुआ चोर है।